बांद्रा के कार्य सम्राट जाहिद यूनुस खान और मेडिकल कोऑर्डिनेटर फहमीदा द्वारा भव्य महा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। यह आयोजन बांद्रा पश्चिम स्थित लकी होटल के पास किया गया। इस मेगा मेडिकल कैंप में लगभग हर बीमारियों की जांच का इंतजाम किया गया था। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, आंखों का चेकअप, हड्डियों का चेकअप, ECG, न्यूरोलॉजिस्ट जैसी कई सुविधाएं यहां पर उपलब्ध कराई गई थी। इसके अलावा मुफ्त में लोगों को चश्मा मुहैया कराई गई। साथ में जरूरतमंद लोगों के लिए मुफ्त में दवाएं भी उपलब्ध कराई गई। इस कार्यक्रम में जाहिद यूनुस खान का हौसला बढ़ाने के लिए भामला फाउंडेशन के अध्यक्ष आसिफ भामला मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। एक बार मेगा मेडिकल कैंप लगा थे, इससे पहले भी जे कॉलोनी में लगाए थे। फिर न्यू ईयर के वजह से एक महीना पेंडिंग करके हम लोगों ने फेबररी में लगाया। इस कैंप के माध्यम से यही रहता है कि भाई जो गोर गरीब है, जो इलाज नहीं कर सकते, जिनको डायबिटीज़ है, हार्ट है, किडनी है, नी का प्रॉब्लम है, उन सारे लोगों को इस कैंप के अंदर सुविधा दी गई है ताकि वो अपना आए, फ्री में चेकअप करा के जाए, डॉक्टर कंसल्ट करके जाए। अगर किसी को सर्जरी लगती है तो सर्जरी भी करा के देंगे। बाहर दवा का इंतज़ाम किया है, दवा फ्री दिया है। तो मुद्दा ये है कि लोगों के घर घर सुविधा मेडिकल की होना चाहिए, इसलिए कैंप लगाया गया। क्या एक्सपेक्टेशन है, कितने लोग आएंगे और किस तरह से भीड़ देखी जा रही है? 2000 के ऊपर का एक्सपेक्टेशन है। रजिस्ट्रेशन अभी 1000 तलक हो गया है और 1000 फर्स्ट हाफ के बाद 1000 लोग आएंगे। 2000 का एक्सपेक्टेशन है हमारा। चेकअप के दौरान अगर बड़ी बीमारी निकल रही है तो डॉक्टर को ये इंटीमेशन दिया गया है कि जाहिद खान की ऑफिस में जाइए, मैं जाहिद खान के लोगों से कंसल्ट करिए, फिर हम लोग उनको प्रॉपर हॉस्पिटल में फ्री में इलाज करा के देंगे। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन से डॉक्टर्स आज यहाँ पर अवेलेबल किए गए? किडनी के डॉक्टर्स है, हार्ट के डॉक्टर्स है, यूरोलॉजिस्ट के डॉक्टर्स है, बीपी शुगर के डॉक्टर्स है, बोन्स के डॉक्टर्स है, स्पाइन के डॉक्टर्स है, आँखों के डॉक्टर है, काफ़ी डॉक्टरों का अरेंजमेंट किया गया है। स्लम एरिया बेचारे 100 स्क्वायर फीट में रहते हैं, वो क्या प्रिवेंशन करेंगे? उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, रोज़ कमाते, रोज़ खाते, ठीक है बीमारी होती है, लगती है, लेकिन लोगों को ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि भाई ऐसी नौबत में आए, इससे पहले आप लोग अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखें। कोई बड़ी बीमारी आने से पहले टाइम टू टाइम डॉक्टर को कंसल्ट किया जाए, हर 6 महीने में अपना ब्लड चेक किया जाए ताकि कुछ बड़ी बीमारी हो तो उससे पहले पता चल जाए। मेडिकल कैंप जब होता है तो हम ये देखते हैं कि सर से लेके पैर तक का पहले तो उनको डॉक्टर्स अवेलेबल रहे। जो भी प्रॉब्लम है, जैसे आजकल मेजर जो है स्ट्रेस है, स्ट्रेस रिलेटेड हो, फिर नस के प्रॉब्लम है लोगों को, हड्डियों के प्रॉब्लम है, उसमें एज नहीं है, हर एक को है। तो हम लोगों ने सब डॉक्टर्स का अरेंजमेंट किया है यहाँ पे। और मेडिसिन हम लोग चाह रहे कि महीने भर की लोग लेके जाए, क्योंकि हम लोग के पास जो मेडिसिन आई है, आपने अगर देखा होगा तो मेरे ख्याल से 3000 लोगों को महीने भर की हम दे सकते हैं। एक तो है हार्ट चेकअप, आँखों का तो है ही क्योंकि बहुत ज़रूरी है, दूसरा है बोन डेंसिटी है, फिर गायनेक, एक जहीर अब्बास बहुत बड़े डॉक्टर हैं, और जो आँखों के हॉस्पिटल भी जो हमारे से जुड़े हुए हैं वो बांद्रा के सबसे बेस्ट है, जैसे ओजस हो गया, एपेक्स हो गया, ये सारे जो लोग हैं इधर फिल्मस्टार भी जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि अपने लोग जो नॉन अफोर्डिंग है वो भी अच्छी जगह अपना सब इलाज करें। उसके अलावा किडनी स्टोन है, आजकल किडनी स्टोन इतना आम हो गया है जैसे कैंसर आम हो गया है, उसी तरह प्रोस्टेट, किडनी, ये सब के इश्यूज औरतों और आदमियों को दोनों को है, क्योंकि कहीं ना कहीं खाने के जो अभी जो हिसाब से लोग खाना खाते हैं उसमें सारी बीमारियां छुपी हुई वो है। और फिर जनरल प्रैक्टिशनर है, उसके अलावा डेंटिस्ट है, गायनेक है, तो हर एक इलाज के लिए डॉक्टर बैठा है। एक्सपेक्टेशन क्या है कि कितने लोग आ सकते हैं? हम लोग का एक्सपेक्टेशन हमेशा 1.5 से 2000 होता है, पर हमेशा उसे डबल ही आते हैं, 4000 तक होता है। ये जो मेडिकल कैंप कंडक्ट हो रहा है वो बांद्रा के परिसर में यूनिक है।
यूनिक इन द सेंस कि ये क्योरेटिव एंड प्रिवेंटिव बोथ द कैंप्स है। नॉर्मली आमतौर पर कैंप में खाली क्योरेटिव इलाज होता है, मतलब आप डिजीज हो तो आपको दवाई देंगे, या डिजीज की दवाई तो मिलती है बट डिजीज ना हो सके या डिजीज कम मात्रा में हो उसकी प्रिवेंटिव टिप दी जाती है बाय द वेरियस डॉक्टर्स। यहाँ ये मेगा कैंप में अलग अलग डिसिप्लिन के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अपनी सेवाएं निःशुल्क दे रहे हैं, और हमारा जाहिद भाई का, फहमीदा मैम का एंड राणे सर का मिशन है कि डिजीज फ्री बॉम्बे। बॉम्बे में कोई भी आदमी, कोई भी इंडिविजुअल को किसी की तरह की बीमारी नहीं होनी चाहिए, और एक स्वस्थ एंड तंदुरुस्त जीवन जो उनका जीने का हक है वो उनको मिलना चाहिए। एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर मिकिन शाह है, मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ और एपेक्स विजन आई केयर एंड लेजर सेंटर मेरा क्लिनिक है अंधेरी में। सो आज का ये बहुत ही मेगा मेडिकल कैंप है, ऑल थैंक्स टू जाहिद सर, फहमीदा मैडम एंड राणे सर, उनकी वो गरीब लोगों के लिए मदद के लिए हमेशा रेडी रहते हैं और हमेशा बहुत करते हैं ऐसे मेडिकल कैंप्स, और ऐसे मेडिकल कैंप से काफ़ी सारे पेशेंट्स स्पेशली आई रिलेटेड प्रॉब्लम जिनको होता है, कैटरैक होता है, ग्लोकोमा होता है, रेटिना का प्रॉब्लम होता है, उनको उनके द्वारा काफ़ी मदद मिलती है और राहत मिलती है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जाहिद सर का, फहमीदा मैडम का और राणे सर का के वो ऐसे मेडिकल कैंप करते हैं और उनसे काफ़ी लोगों को उससे फ़ायदा होता है। और ऑलरेडी अब तक जैसे सर ने बताया कि ऑलमोस्ट 400 क्रॉस हो चुके हैं पेशेंट्स, और शाम तक में वी एक्सपेक्ट अनदर 400-500 पेशेंट्स टू प्री स्क्रीन टुडे। ये कैसा है क्या दवा के लिए लोगों के पास में आज मेडिकल लाइन से पैसा पानी लोगों के पास नहीं है। जाहिद खान ने जो मेडिकल रखा है, मेडिकल किंग, ये कई गरीबों के लिए काम आता है। सब टेस्ट फ्री में है और टेस्ट फ्री में होता है ये, और ये इनके अंदर बहुत एक गरीबों की एक वो है कि भाई मैं अच्छा काम करूँ, अच्छा लोगों को लगे। कि आज मेडिकल लाइन से लोग बहुत परेशान हैं, आज जिधर जाओ उधर लोग बेचारे परेशान हैं, तो सबके हालात तो ऊपर वाला ही देख सकता है। इंसान को एक जरिया बना ऊपर वाले ने, लेकिन जिस पे गुजरती है वो ही जानता है। आदमी सोचते हैं नेता लोग कि वो इधर क्यों गया, वो इधर क्यों गया, लेकिन जिस पे जो मसला है वो किसका, पहचान वाला अपना काम कर देंगे, जिसकी पहचान नहीं वो कैसा काम करेंगे, पहचान वाला अपना काम कर देंगे, जिसकी पहचान नहीं उनका काम कैसा करेंगे। इसके लिए मेडिकल कैंप रखा गया है, और आज को डॉक्टर के पास जाओ उसका 100 रुपये नहीं है, कैंप फ्री में है, हो रहा है जाहिद यूनुस खान के तरफ से काम उनसे करवा के लिए। मैं समझता हूँ अगर जाहिद खान नहीं रहते तो ऐसे कई लोग थे जो अपना घर बेच डालते थे। 100 से ज़्यादा ऑपरेशन तो मैंने करवा के लिए जहाँ तक मैं मुझे आता, और ऐसे तो हज़ारों ऑपरेशन वो करवाते, हार्ट का बाईपास ये वो वगैरह, किडनी का, एक बच्चे का किडनी का ऑपरेशन हमने करवाए थे, 17 लाख का ऑपरेशन था, उनके पास में 17,000 नहीं थे। लेकिन जाहिद खान ने आगे बढ़कर उनका साथ दिया, नानावटी हॉस्पिटल में उसका इलाज हुआ। उनके पास जाओ तो आदमी खाली नहीं जाता, वो काम करवाते हैं और फुल सपोर्ट करते हैं हर चीज़ से। उनका मैं उनका धन्यवाद कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, मैं कहना चाहूँगा जय हिंद जय महाराष्ट्र। कैंप के बारे में तो मैं आपको से थैंक्स टू एडवोकेट आशीष शेलर जी एंड जाहिद यूनुस खान एंड फहमीदा पानवाला, बिकॉज बॉम्बे इज अ फास्ट लाइफ, और ऐसी फास्ट लाइफ के अंदर किसी के पास टाइम नहीं है किसी को उठाने के लिए, तो ये तो बेचारे मेडिकल के लिए बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो वी आर बी वेरी थैंक्सफुल अबाउट जाहिद खान एंड फहमीदा मैडम एंड आशीष शेलर, क्योंकि बॉम्बे के अंदर ऐसी फास्ट लाइफ के अंदर उन्होंने जो ये काम कर रहे हैं हम लोगों को बहुत खुशी हुई। डायबिटीज चेकअप कराए और अपने आँख चेकअप कराए। जाहिद भाई के लिए क्या कहेंगे? जाहिद भाई ने मेडिकल कैंप रखा है ना, क्या कहेंगे उनके बारे में? उनके बारे में हम सोचे उनको लाना है हमारे लिए, तो ये हर महीने का एक